हेलो एवरीवन, मैं हूं पुरुषोत्तम और इजी मैथ में आपका स्वागत है। परम्यूटेशन के पिछले वीडियो में हमने देखा परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कितने टाइप का होता है, उसमें परम्यूटेशन टू टाइप्स के होते हैं, परम्यूटेशन ऑफ नंबर एंड परम्यूटेशन ऑफ वर्ड। परम्यूटेशन वर्ड में हमने देखा था वो टोटली 6 टाइप से होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 ऑलवेज टूगेदर। सबसे पहले ऑलवेज टूगेदर देखते हैं। ऑलवेज टूगेदर को हम तीन तरीके से वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड अदर वर्ड, तीन भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोवेल। वोवेल कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हाउ मेनी वर्ड्स आर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन वोवेल्स आर ऑलवेज टूगेदर। वर्ड लिया हमने लर्न। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि वोवेल कौन कौन से हैं। ई एन ए अपने वोवेल हो गए, ई ए यह हो गए अपने वोवेल, और बाकी के पीछे बचे शब्द है अपने पास एल आर एन एल। और परम्यूटेशन निकालने के लिए इनके बीच की स्पेस कितनी है, फोर स्पेस है। अब ई ए ये दोनों वॉवेल है, इनको हम चार तरीकों से, इन चार प्लेसेस पे हम इसको रख के हम अलग अलग टाइप से वर्ड बना सकते हैं। तो इसका परम्यूटेशन क्या हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू ई और ए को हम दो टाइप से लग सकते हैं, ई ए एन ए ई, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया इसका परम्यूटेशन। और एग्जांपल लेके समझते हैं दूसरा, जैसे कि एप्टीट्यूड है, इसमें हमारे पास वोवेल कौन कौन से हैं, ए आई यू एन ई, ये हो गया अपने पास वोवेल। अब बाकी के बच्चे पीछे लेटर कौन से हैं, पी टी टी एंड डी, और हम इन वोवेल्स को कितने प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका परम्यूटेशन क्या हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 अपॉन, यहाँ पे टी 2 टाइम्स से इसीलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया, एंड ये जो वॉवेल थे वो अपने पास 4 थे, इसीलिए इनको अरेंज करने के 4 तरीके हो जाएंगे अपने पास, 4 वेज हो जाएंगे अपने, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल ऑफ 4, ये हो गया इसका परम्यूटेशन। उसी तरीके से अगर हम पूछा जाए कि कॉन्सोनेंट अगर ऑलवेज टूगेदर है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेके समझा, जैसे हाउ मेनी वेज वर्ड्स कैन बी फॉर्म व्हेन कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज टूगेदर। बोला गया है क्वेश्चन में कि कॉन्सोनेंट ऑलवेज टूगेदर है तो हम कितने टाइप के वर्ड बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट ले लीजिए, इस वर्ड में कौन कौन से, जैसे लर्न लिया, इसमें कॉन्सोनेंट है अपने पास एल जी एन एल, ये 3 कॉन्सोनेंट है, बाकी के पीछे लेटर ई एन ए। अब इन कॉन्सोनेंट वर्ड को हम कितने प्लेसेस पर अरेंज कर सकते हैं, 3 प्लेसेस पे, तो हमारा परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन, यहाँ पे एल 2 टाइम्स है इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया अपना आंसर। एक और एग्जांपल लेके समझा, जैसे लर्न लिया अपन ने, इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से है, एल आर एन, बाकी के पीछे वर्ड ई ए, इन वर्ड को अरेंज करने के लिए अपने पास 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस को वोवेल को अरेंज करने के लिए वैल्यू होगी फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय इन 3 को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3, ये हो गया अपना आंसर। जिस तरीके से वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को हम टुगेदर करके हमने कितने तरीके के वर्ड बनते हमने निकाला, उसी तरीके से अगर हमने कोई स्पेसिफिक कोई दिया हुआ, जैसे कि आर और एन को टुगेदर रख के हमें पूछा गया कि कितने टाइप के वर्ड बन सकते हैं, जैसे हमें वर्ड दिया आर एन, इन दो को टुगेदर रखना है, अपना आंसर आ गया, तो पीछे बचा, पीछे लेटर बचे एल ई ए, ये बचे, इनमें स्पेस कितने हैं, 4, तो अपनी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि आर और एन को भी हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। अगला देखते हैं टाइप 4 नेवर टुगेदर।
टाइप थ्री था ऑलवेज टुगेदर, जिसमें कुछ दिया हुआ था कोई लेटर ऑलवेज टुगेदर होते थे और उनसे हमें वर्ड बनाना था। इसमें दिया हुआ होगा जैसे कोई स्पेसिफिक लेटर कुछ जो हमेशा साथ में नहीं आए। इनको भी हम तीन भाग में डिवाइड करेंगे, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड अदर वर्ड। इसका अगर बेसिक फार्मूला हम देखें तो होगा टोटल नंबर ऑफ फेज माइनस ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, कोई एग्जांपल लेके समझते, जैसे हमने लिया वर्ड लर्न, तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, परम्यूटेशन हमने सीखा था जितने वर्ड होंगे उतने परम्यूटेशन होगा, फाइव वर्ड है तो फैक्टोरियल फाइव हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ऑलवेज टुगेदर क्या हो गया, वॉवेल की कंडीशन में हम ऑलवेज टुगेदर देखें तो अपने पास दो वर्ड है ई एन ए और बाकी के पीछे बचे एल आर एन और इनमें स्पेसेस हो गया फैक्टोरियल फोर मल्टीप्लाई बाय ई और एन को टू टाइप से ऐड करेंगे फैक्टोरियल टू। तो नेवर टुगेदर अपने पास होगा फैक्टोरियल फाइव माइनस फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल टू, ये हो जाएगा अपना नेवर टुगेदर आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिस्टर, इसमें टोटल नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, सिक्स लेटर है तो फैक्टोरियल सिक्स अपॉन आई एस टू टाइम आएगा तो फैक्टोरियल टू से डिवाइड हो जाएगा। ऑलवेज टुगेदर क्या हो जाएगा इसका, वॉवेल की कंडीशन में आई और ई वॉवेल हो गए तो बाकी के पीछे बचे वर्ड और उनमें स्पेसेस कितने हो गए, फाइव, तो फैक्टोरियल फाइव अपॉन एस टू टाइम है फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू, ई और आई को हम टू टाइप से अरेंज कर सकते हैं तो अपने पास नेवर टुगेदर हो गया फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस हो गया ऑलवेज टुगेदर, टू से टू कट गया तो अपने पास आ गया फैक्टोरियल। उसी तरीके से जैसे हमें दिया कॉन्सोनेंट दे दिया या अदर वर्ड दे दिया, कोई सा भी वर्ड दे दिया कॉन्सोनेंट की कंडीशन में, इसी तरीके से अदर वर्ड में भी अगर कोई कंडीशन दी हुई है और कोई वर्ड दिया हुआ है जैसे आर और एन हमें टुगेदर रखना है और इनको लेके हमें नेवर टुगेदर बनाना है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ फेज माइनस ऑलवेज टुगेदर को यूज़ करके हम बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा टाइप थ्री एंड टाइप फोर, ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर की कंडीशन में जो वर्ड हमें दिया हुआ है उनको अलग करके बाकी के प्लेसेस निकाल के हम इसको निकाल सकते हैं, एंड नेवर टुगेदर की कंडीशन में ये फार्मूला हमें याद रखना है टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस ऑलवेज टुगेदर, इस फार्मूले से नेवर टुगेदर निकल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे जीमेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।